हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत महाजन, असिस्टेंट प्रोफेसर ITM कॉलेज देहरादून। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। द टॉपिक्स आर बाथटब कर्व एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई फर्स्ट टॉपिक इज इक्विपमेंट लाइफ साइकिल और बाथटब कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो एक कर्व की तरह, एक बाथटब की तरह है, इस वजह से इसको ये नाम मिला है, राइट। नाउ ये बताता है कि भाई एक इक्विपमेंट या एक मशीनरी एक प्लांट के अंदर जो यूज़ हो रही है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, मतलब वो मशीनरी वहाँ पे कब तक रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़ की लाइफ साइकिल होती है। हम ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ साइकिल है, उसी तरीके से मशीनरीज या इक्विपमेंट जो प्लांट के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जिनको यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो मशीनरीज की भी एक पर्टिकुलर लाइफ होगी, उस लाइफ के बाद वो उनको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो उस लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में, उस मशीनरी की लाइफ में, वो दिखाया गया है यूजिंग दिस टॉपिक विच इज़ नोन एज इक्विपमेंट लाइफ साइकिल और बाथटब कर्व। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर आर थ्री स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मशीनरी और अ इक्विपमेंट, थ्री स्टेजेस, राइट। द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट मोर्टालिटी, इट मीन्स डिक्रीजिंग फेलियर रेट, क्योंकि जब भी कोई नई मशीनरी प्लांट में आती है तो उसको 48 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करा जाता है, ये देखने के लिए कि फ्यूचर में वो सही तरीके से काम करेगी कि नहीं करेगी। तो 48 आवर्स में अगर उसने सर्वाइव कर लिया उस मशीनरी ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे भी सर्वाइव कर जाएगी। जब इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर डाला गया है और वो तब सर्वाइव कर गई तो आगे भी करेगी। तो अब ये होगा कि अगर उसको ब्रेकडाउन होना होगा तो उन 48 आवर्स में ही ब्रेकडाउन हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर ब्रेकडाउन नहीं हुई, इसका मतलब आगे वो चलती रहेगी, आगे सर्वाइव कर लेगी। तो जो मशीन है उसकी शुरुआती लाइफ में उसका जो रेट है, जिस रेट से वो उसमें एरर आ रहे हैं, जिस रेट से उसको रिपेयर करना है, या जिस रेट से वो फेल हो रही है, वो रेट धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा, क्योंकि द मशीनरी इज़ यंग। नाउ द सेकंड स्टेज इज नॉर्मल लाइफ और यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी। अब इसमें एक मशीनरी रिपेयर होगी, लेकिन एक कांस्टेंट टाइम के दौरान, जैसे कि इस लाइफ के दौरान एक मशीनरी 6 महीने में एक बार रिपेयर हो रही है, उसके बाद अगले 6 महीने में फिर से एक बार रिपेयर हो रही है, उसके बाद अगले 6 महीने में फिर से एक बार रिपेयर हो रही है, तो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में वो एक बार रिपेयर हो रही है किसी न किसी वजह से, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पे हमारा जो फेलियर रेट है वो कांस्टेंट है, जबकि हमारी फर्स्ट स्टेज में जो फेलियर रेट था वो डिक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे कांस्टेंट है सेकंड वाली स्टेज में। अब आ जाते हैं थर्ड वाली स्टेज में। थर्ड वाली स्टेज का नाम है एंड ऑफ लाइफ वेयर आउट, जिसमें कि मशीनरी का एंड आ गया है। फॉर एग्जांपल, 15 साल चलना था मशीनरी को, तो लास्ट के 2 या 3 साल आ चुके हैं, उनको हमने 12 साल यूज़ कर लिया मशीनरीज को, अब उनकी लाइफ एंड होने वाली है, अब उनको रिप्लेस करना पड़ेगा सीधे, अब उसको रिपेयर नहीं करा सकते। तो लाइफ के एंड में मशीनरी कैसे वर्क करेगी वो देखते हैं। उसका जो फेलियर रेट है मशीनरी का वो इंक्रीज होने लग जाएगा। पहले वो 6 महीने में एक बार फेल हो रही थी, उसके बाद वो 4 महीने में एक बार फेल हो रही है, उसके बाद 2 महीने में एक बार फेल हो रही है, एंड देन 1 महीने में एक बार फेल हो रही है। तो उसका एक तरीके से क्या हो गया, फेलियर रेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। और ये इंडिकेशन भी है कि अब वो कम्प्लीटली फेल होने वाली है किसी भी दिन, और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये तब होगा जब उसकी लाइफ बिल्कुल एंड पे है, उसके पहले नहीं होगा ये, राइट। तो देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ बाथटब कर्व विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो मशीनरी अगर शुरुआत में जब उसको बर्न इन पीरियड में रखा गया, यानी कि 48 आवर्स वाले पीरियड में रखा गया, तो उसके बाद जब उसका यूज़ करना स्टार्ट करा, तो उसका जो फेलियर रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब वो स्टेज ख़त्म होगी, से 2 or 3 years में जब वो स्टेज ख़त्म होगी और एक नॉर्मल लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक कॉन्स्टेंट पीरियड के दौरान फेल होती रहेगी किसी न किसी वजह से, और उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, हालांकि रिप्लेस कराने की नहीं, राइट। उसके बाद उसकी थर्ड एंड फाइनल स्टेज आएगी लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ वेयर आउट, जिसमें कि उसका फेलियर रेट इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और ये एक साइन होगा प्लांट के मैनेजर के लिए कि इस मशीनरी को जल्द से जल्द रिप्लेस कराना पड़ेगा, जैसे ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है उसके बाद। तो दिस इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ अ इक्विपमेंट और अ मशीनरी इनसाइड अ प्लांट वेयर दीज मशीनरीज आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। नाउ विल टेक द टॉपिक MTBF, MTTR एंड अवेलेबिलिटी। दीज थ्री आर द मेजर्स फॉर मेंटेनेंस परफॉर्मेंस।
होता यह है कि हमने अगर प्लांट के अंदर सारी मशीनरीज को मेंटेन करके रखा हुआ है, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस दी है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि फ्यूचर में ब्रेकडाउन होंगी और फ्यूचर में उन पर रिपेयर कॉस्ट आएगी, इसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखा हुआ है उन मशीनरीज को, राइट। अब हमने तो मेंटेन करके रखा हुआ है उसको, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, इन मशीनरीज की मेंटेनेंस परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वो भी तो मेजर करना पड़ेगा कि हमने जो मेंटेनेंस से पैसा खर्च करा है उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कि जो उसकी मेंटेनेंस परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसी मेंटेनेंस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है MTBF, जिसको हम बोलते हैं मेन टाइम बिटवीन फेलियर, राइट। तो इसमें ये होता है कि एक मशीनरी है, वो पहले 100 घंटे चली, उसके बाद 5 घंटे के लिए ब्रेकडाउन हो गई, उसके बाद अगेन 100 घंटे चली, फिर 5 मिनट के लिए फिर ब्रेकडाउन हो गई, उसके बाद अगेन वो 100 घंटे के लिए चली। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि बिटवीन फेलियर मशीनरीज का एवरेज टाइम जो चलने का है वो है 100 घंटे, राइट। इसका मतलब उस वो 100 घंटे ऑन एन एवरेज चलती है, उसके बाद उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ द मेन टाइम बिटवीन फेलियर, राइट, कि एवरेज टाइम क्या है बिटवीन फेलियर्स, मशीनरी फेलियर्स के बीच में, फेलियर्स के अलावा जिस टाइम चल रही है तो उसका एवरेज टाइम क्या है मशीनरी का, दैट इज़ MTBF। देन द सेकेंड वन इज MTTR, विच इज़ मेन टाइम टू रिपेयर। नाउ अब मैंने आपको बताया कि एक मशीनरी 100 घंटे चली, फिर 5 घंटों के लिए रिपेयर हुई, फिर 100 घंटे चली, फिर 5 घंटों के लिए रिपेयर हुई, फिर 100 घंटे चली। तो यहाँ पे रिपेयर दो बार हुआ है, 5 घंटे और 5 घंटे, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करिए 2 से, तो आंसर आएगा 5 आवर्स। तो जो एवरेज टाइम था जिससे मशीनरी रिपेयर हो रही थी, जैसे मशीनरी ब्रेक डाउन रही और काम रुका हुआ रहा, तो वो टाइम है तुम्हारा 5 आवर्स ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये है कि हर एक बार जब भी हम रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी को, जब भी मशीनरी ब्रेक डाउन हो रही है, तो हमें उसको वापस से ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। दैट इज़ द मेन टाइम टू रिपेयर, रिपेयर करने का एवरेज टाइम, दैट इज MTTR। एंड द फाइनल वन इज़ अवेलेबिलिटी, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर फॉर मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। नाउ इसमें क्या हो रहा है, देखो, दिस मेजर शोज दैट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन द इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे अब हम देखते हैं एक मशीनरी है, वो 50 घंटे चली, उसके बाद फेल हुई कुछ घंटों के लिए, फिर वो 100 घंटे चली, फिर फेल हुई कुछ घंटों के लिए, उसके बाद वो अगेन 150 घंटे चली, फिर वो फेल हुई। तो यहाँ पे वो चली है 50 घंटे, फिर 100 घंटे, फिर 150 घंटे, और बीच में वो फेल होती रही, राइट। तो फेल हुई वो 5 घंटों के लिए, राइट, हमें मान के चलते हैं वो 5-5 घंटों के लिए फेल होती रही वो। तो बीच में वो दो बार फेल हुई फॉर 5 आवर्स ईच, राइट। अब 50 घंटे चली, उसके बाद 100 घंटे, उसके बाद 150 आवर्स, और बीच में 5 घंटे के लिए दो बार ब्रेक डाउन हुआ उसका। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि 50, 100 और 150 को ऐड करना है, विच विल लीड टू 300, ओके। और हमको जो टोटल टाइम है वो देखना है, विच इज़ 300 प्लस 10। तो यहाँ पे हम मशीनरी का जो रिपेयर टाइम था उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हो गया 310। इसका मतलब जो मशीनरीज थी उनको टोटल 310 आवर्स के लिए यूज़ करा गया, लेकिन वो 310 आवर्स में से खाली 300 घंटे ही चली, 10 घंटे वो चल नहीं पाई क्योंकि उनका ब्रेकडाउन हो गया था और उनको रिपेयर किया जा रहा था। तो जब 300 को डिवाइड करेंगे 310 से और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये अवेलेबिलिटी का परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा कि मशीनरीज कितना अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू द प्लांट। ओके, नाउ वी कैन क्विकली रिवाइज दीज टू। फर्स्ट वन इज इक्विपमेंट लाइफ साइकिल और बैटअप कर्व, जो मैं बताता है कि भाई मशीनरी या इक्विपमेंट के लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसमें कि फेलियर रेट डिक्रीज होगा, दूसरी स्टेज जिसमें कि फेलियर रेट कॉन्स्टेंट रहेगा, और तीसरी चीज़ जब उसकी लाइफ एंड होने वाली होगी तो फेलियर रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो एक इंडिकेशन भी होगा प्लांट के मैनेजर के लिए कि उन्हें एक और मशीनरी परचेज कर लेनी चाहिए। तो दैट इज़ द बैटअप कर्व और इक्विपमेंट लाइफ साइकिल डिपिक्टेड बाय दिस डायग्राम। देन हमने जो मेंटेनेंस से पैसा खर्च करा तो उसका क्या फ़ायदा हमें मिला है, उसको मेजर करने के लिए कुछ तीन तरीके हैं, MTTR,
MTBF एंड अवेलेबिलिटी। MTBF का मतलब है मेन टाइम बिटवीन फेलियर, कि कितना मशीनरी कितने घंटों के लिए यूज़ हो रही है ऑन एन एवरेज बिटवीन फेलियर्स। सेकंड वन इज़ मेन टाइम टू रिपेयर, मतलब मशीन को रिपेयर करने के लिए अगर वो बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है उस मशीनरी को, तो मशीनरी को रिपेयर करने के लिए कितना एवरेज टाइम लग रहा है, दैट इज़ MTTR। देन अवेलेबिलिटी, कि मशीनरी जो है टोटल टाइम में से कितने टाइम के लिए यूज़ हुई है, कितने टाइम के लिए अवेलेबल रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 310 घंटे के लिए मशीनरीज यूज़ हुई, लेकिन उन 310 घंटों में से खाली वो 300 घंटे ही यूज़ हुई, बाकी 10 घंटे वो यूज़ नहीं हुई, उस टाइम पे वो ब्रेकडाउन थी और उस पर रिपेयर का काम चल रहा था। तो 300 को डिवाइड करो 310 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो उससे आंसर आ जाएगा कि मशीनरी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स द प्लांट। ओके, सो दीज आर द टू टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो आई विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक इन माई नेक्स्ट स्लाइड। टिल देन टेक केयर एंड बाय।